डोडा में भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। ये देख सकते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी स्मार्ट मीटर जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। पूरे डोडा सिटी के अंदर जो भी टाउन का एरिया है, म्यूनसिपलिटी के अंदर जो है, ये सभी मीटर जो है लगाए जाएंगे। आप जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू सिटी और कश्मीर सिटी जो है, जिन्हें स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पर भी स्मार्ट मीटर जो है इंस्टॉल किए गए और स्मार्ट मीटर स्मार्टली जो है वॉच करते हैं कि आपने कितनी बिजली जो है वो भुगतान किया और कितनी बिजली जो है खर्च की। ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर रहती है और डिपार्टमेंट उसके बाद पैसा जो है उस घर से या उस एरिया से काटता है जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा। जैसे यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है तो इस पूरे घर में जो है वो इसके ऊपर जो है निगरानी होगी। इसमें जो भी पॉइंट्स चढ़ेंगे डिपार्टमेंट जो है वो पैसा काटेगा। लेकिन कश्मीर और जम्मू में जब स्मार्ट मीटर लगे तो विरोध भी हुआ। लोग सड़कों पर भी आए कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि स्मार्ट मीटर का जो है विरोध देखा गया, कि विरोध में लोग आए और ड्यूरिंग इलेक्शंस जो है बहुत सारे पॉलिटिशियनों ने भी ये कहा, ये नारा दिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन जो लोग, आप जानते हैं कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे कि हम स्मार्ट मीटर को उखाड़ देंगे, वो तो जीते नहीं। जम्मू के अंदर जो है वो बीजेपी को जो है सीटें मिली हैं, तो बीजेपी ने ही जो है इंस्टॉल की हैं स्मार्ट मीटर्स, तो सपोर्ट में, इसका मतलब कि लोग जो है वो स्मार्ट मीटर के खिलाफ उन्होंने वोट नहीं किया है, स्मार्ट मीटर के साथ ही वोट किया है। लेकिन अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नया है, इसलिए खबर ये इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि ये प्रॉपर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें इनके अंदर लगाई जा रही हैं, चिप भी इसके अंदर हैं जो है डिटेक्ट करेगी, इनसे बात भी करेंगे जो टेक्निकल लोग यहाँ पर आए हैं कंपनी की तरफ से, जो यहाँ पर लगाए ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये मीटर है और इस मीटर में और नॉर्मल मीटर में, स्मार्ट मीटर में और ये जो मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसमें तो थोड़ा बहुत फ़र्क भी आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा नज़दीक आइए, ये दिखाइए। ये देखिए पहले वाला जो मीटर था उसमें जो है आप किस तरीके की डिस्प्ले हुआ करती थी, चीज़ें हुई करती थी, इसमें जो है बनावट ही जो है ये नई है। और इसके अंदर ये पूछने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टेटस भी है, यहाँ पे जो है दो जो है वो ब्लिंक भी करेगी लाइट्स, एक रेड होगी और एक ब्लू। एक रेड जैसे वहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो लगा हुआ है, तो रेड कलर का वहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। और इसी के साथ में डिस्प्ले भी जो है वो दिख रही है वहाँ पर कि वो चालू है, वो चल रही है और इसमें जो है रीडिंग होना शुरू हो गई है। इसी के साथ में एक और मीटर लगा हुआ है, ये पुराना मीटर है, जो पहले मीटर नॉर्मल मीटर है और ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में क्या फ़र्क है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम, कि जो भी यहाँ से बिजली विभाग के लोग आए हुए हैं कंपनी की तरफ से है, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ गए वो सर? इसमें तो आप मुझे बताओ कि ये फ़र्क क्या है इसमें, नॉर्मल मीटर में और स्मार्ट मीटर में क्या फ़र्क है? इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, हम डिपार्टमेंट से हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं? जी जी। तो कंपनी की तरफ से कौन है? कंपनी की तरफ से जय साहब है शायद। जय साहब आइए, वॉशरूम गए होंगे। कौन? आओ, जो भी एक दो बात करनी आओ सर। हाँ बस एक दो बात चलिए, कह रहे कि ऑथराइज नहीं है। इधर आओ, बात करो ना। आप चाहते हो किसी मीडिया वाला बोले, आप नहीं बोलो, दिक्कत आपको है तो हम बोलें क्यों? ये बात भी जानी चाहिए ऑन रिकॉर्ड कि लोगों को दिक्कत है वो सिर्फ हमें बोलते हैं कि आप बोलो, हम क्यों बोले? आप भी बोलो, आपको दिक्कत हो रही है तो। स्मार्ट मीटर अच्छे हैं, ठीक है, हमें तो अच्छे लग रहे हैं। जिसको स्मार्ट मीटर से दिक्कत है वो भी हमारे पास आई, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और ये इसमें चिप भी लगी हुई, चिप किस चीज़ की लगी इसमें? हाँ सर, इसमें चिप किस चीज़ की लगी? GPS वगैरह की। उसमें क्या, इसको अगर कोई निकाल के ले जाएगा तो लोकेशन ट्रेस होगी। तो देख सकते हैं आप कि इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते आप, जैसे नॉर्मल मीटर्स के साथ छेड़छाड़ हुआ होती थी, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, इसीलिए स्मार्ट मीटर है। तो स्मार्टली काम करता है। अब देखना यह है कि डोडा के लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं इससे और कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल मीटर तो पहले भी लगा हुआ है और जितना जो है बिजली खर्च की है उतना पैसा हम देंगे और उसका सबूत जो है मीटर है। लेकिन जहाँ पर फ्लैट रेट्स आते हैं तो उससे लोग परेशान भी हैं, वो भी हमें जो है आए दिन कहते हैं कि हमें फ्लैट रेट्स आ रहे हैं, हम जो है चोरी तो बिजली की करते नहीं, चिनाब वैली में ही बिजली बनती है। चिनाब वैली में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट जो है वो NC ने दावा किया था
कि हम जो है 200 यूनिट बिजली जो है यहाँ पर देंगे। अब देखना है सरकार जो है बनने वाली है क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है दी जाएगी 200 यूनिट, क्योंकि आम घर में जो है 200 यूनिट से ही काम चल पड़ता है। तो अगर सरकार जो है बनेगी, ओथ सेरेमनी होगी, उसके बाद देखना होगा कि बिजली कितनी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त मिलती है। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं दूर का हूँ। नहीं, दूर के स्मार्ट मीटर के बारे में तो बता ही सकते हो, दूर है नज़दीक उसमें आई नहीं कुछ? नहीं, नहीं। आप नहीं बोलोगे? अच्छा, ये दूर के सर, आपकी तो दुकान है यहाँ पे, आप बोलोगे? ठीक है, स्मार्ट मीटर ठीक है जी, स्मार्ट मीटर लगेगा, चोरियाँ रुकेंगी, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, अच्छी बात है। मतलब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है? विरोध क्या करना, देश की तरक्की है ये, इसमें क्या है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब मीटर लगाएं उससे कि चोरी की दिक्कत क्या है, 10 मीटर लगा ले हम, अगर चोरी नहीं करते तो 10 मीटर भी हो जाए, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो देख सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी आती है नई तो उसका विरोध होता ही है, क्योंकि उसकी समझ आते आते समय लगता है। जैसे AI है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नई नई आई हुई है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएगी, लेकिन फ्यूचर जो है AI है। आप जो है AI के साथ बहुत सारे काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐप यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप फ़ायदा AI का उठा रहे हैं, तो वैसे ही स्मार्ट मीटर भी है। अब हम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जो है ज़्यादा ना बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपकी राय भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी हर जगह पे जो है स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चलिए, दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त और देखते रहे TLR न्यूज़।